never made it, but I know what it takes. Hello everyone, welcome back to my channel Lakhnavi Niharika and it's me Niharika. अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए. दिस इज़ द फाउंडेशन आज मैं जिसका रिव्यू करने वाली हूँ एंड आई होप आपको पसंद आए क्योंकि जो भी मैं बोलूँगी वो बिल्कुल मैं ऑनेस्ट ही बोलूँगी. जो भी जैसा मैं फील करूँगी बिल्कुल वही आपको सजेस्ट करूँगी, वही आपको बताऊँगी. तो ये इस्टे क्वर्की का फाउंडेशन है. तो मैं सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेती हूँ. ये कुछ इस टाइप का है. पैकेजिंग वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मुझे एक चीज़ बेकार लगी पैकेजिंग में कि ये सिर्फ इसी बॉटल में आता है. इसके ऊपर जब मैंने रिसीव किया था तो सिर्फ एक बबल रैप होके आया था. इसके ऊपर कोई कार्डबोर्ड पैकेजिंग या ऐसा कुछ भी नहीं था. तो ये थोड़ा मुझे गंदा लगा क्योंकि कुछ ना कुछ होना ज़रूर चाहिए था ऊपर पैकेजिंग में. बट ये इस टाइप के फ्रॉस्टेड ग्लास की बॉटल में आता है. यहाँ पे आपको एक पंप मिल जाता है इसको निकालने के लिए. आप इसको यहाँ से ऐसे करके डिस्पेंस कर सकते हैं. ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि इतने कम बजट में आपको एक ऐसा डिस्पेंसर मिल रहा है, ऐसा पंप डिस्पेंसर मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. सभी फाउंडेशंस में नहीं मिलता है जल्दी. इतना ग्राम प्रोडक्ट्स आपको देते हैं, 27 grams का जो प्रोडक्ट है वो आपको इसमें मिलता है. देन इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं. तो इसमें लिखा है 165 आपको MRP पड़ेगी. 165 का पड़ता है ये. एंड अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट का. तो ये आपको दो साल के लिए करीब आपके लिए वैलिड है. मतलब 2 साल तक आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. तो इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अभी तो 22 दे रखी है. तो ये लोग क्लेम करते हैं कि जो आपका जो फाउंडेशन है वो वाटर रेजिस्टेंट है, ब्लेंड बहुत ही एफर्टलेसली होता है एंड लाइट वेट है. तो अभी तो हम लोग चेक करेंगे कि ऐसा भी है भी कि नहीं भी. बाकी यहाँ पे कुछ और नहीं दे रखा है. हाँ, यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, लिक्विड फाउंडेशन है ये और इसमें विटामिन ई है, मतलब इनरिच्ड विथ विटामिन ई. ठीक, यहाँ पे मेरा शेड है सीक्रेट सेंड 1. मैं अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं. तो मैं इसको थोड़ा सा ना लेके अपने यहाँ पे ले रही हूँ. ऐसे लग रहा है मेरे कपड़े खराब होंगे. अब होता है इसका पंप एक्चुअली अच्छा नहीं है. आप इसे अगर कोई भी पंप होता है फाउंडेशन वाला, आप उसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इजीली जो प्रोडक्ट है वो निकल आता है. बट इसको प्रेस करने से मुझे डर ही लग रहा है कि मतलब मैं ऐसे ऐसे प्रेस करूंगी और वापस ये गिर जाएगा. तो इसकी कंसिस्टेंसी की बात कर लेते हैं पहले. तो आप देख सकते हैं लिक्विड तो है बट उतना ज़्यादा रनी अभी तो नहीं लग रहा है. बहुत ज़्यादा रनी नहीं है. ओके कंसिस्टेंसी है इसकी. तो देख लेते हैं लगा के. तो मैंने अपने हाथ के पीछे इसको लिया हुआ है एंड मैं इसको लगा रही. तो अपनी फिंगर से ही मैं डैब डैब पहले कर लूँगी. एंड आप देख सकते हैं कि मैं हाफ फेस पे लगा रही हूँ अपने, इसको पूरे फेस पे नहीं लगा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जो शेड है या जो ब्लेंडिंग है या फिर जो इसका इफेक्ट है या कैसे रहता है वो आपको ईजिली समझ आए एंड आप ईजिली कंपेयर कर सकूँ. तो इसे पूरे पे लगाने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लूँगी. तो जब मैं ब्लेंड कर रही थी ना तो ब्लेंड तो इजीली हो रहा था. जो उन्होंने क्लेम किया था कि ये एफर्टलेसली ब्लेंड होता है तो ब्लेंड तो हो रहा था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी. बट जब मैं इसलिए ब्लेंड किया ना तो पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें मैंने कुछ लगाया भी है. हाँ, थोड़ी सी शाइन जैसी लग रही थी, थोड़ी सी जब मैंने लगाया ना तब शाइन लग रही थी. बट उसके बाद में थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाता है, बिल्कुल भी ड्राई हो जाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा शायद एक से नहीं पता चल रहा है तो मैं दूसरी लेयर लगा के देखती हूँ. तो मैंने फिर सेकंड कोट लगाया इसके ऊपर, फिर से मैंने ब्लेंड किया. फर्स्ट वाला तो ईजिली ब्लेंड हो रहा था बट हाँ, जो एक स्ट्रीक्स नहीं होती वो लाइन्स जैसी दे रहा था एंड ड्राई पैचेस हो रहे थे. तो मैंने जब सेकेंड टाइम इसको लगाया तो तब भी ब्लेंड अच्छा हो रहा था बट वही सेम थिंग फिर से हो रही थी कि ये बीच में मेरे जो ये माउथ के पास का एरिया था और जो ये फोरहेड वाली लाइन्स थी यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइन्स और इतना ज़्यादा ड्राई कर रहा था ये कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी. हाँ, कवरेज उतनी अच्छी नहीं थी बिकॉज मेरी नोज़ पे एक मार्क है वो नहीं कवर हुआ था. तो फाउंडेशंस
होते हैं कवरेज वाले, बट इसमें तो क्लेम ही किया उन लोगों ने ना कि शेयर टू मीडियम है, बट मीडियम भी नहीं, बहुत ही शेयर है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही कम कवरेज देता है। डेली वियर के लिए ठीक है, बट अगर आपका फाउंडेशन सेट नहीं होगा, आपका फाउंडेशन ब्लेंड ही नहीं होगा, तो आप डेली वियर में भी कैसे बाहर जा पाएंगे इसको लगा के। फिर मैंने उसके बाद में इसे एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं सेट कर रही थी, एंड जब मैं सेट कर रही थी ना, तब मैं देख रही थी कि ये मतलब चिपक ही नहीं रहा था। मतलब जो हम लोग सेट करते हैं ना, जैसे लैक्मी वाला फाउंडेशन जो होता है, हम लोग उसे सेट कर लेते हैं तो वो एक फुल कवरेज वाला जैसे बन जाता है, फुल तो नहीं, मतलब हाँ थोड़ी बहुत कवरेज बन जाती है और अच्छा हो जाता है। बट जब मैं इसे कॉम्पैक्ट लगा रही थी ना, तो इसमें लाइन्स और इतनी ज़्यादा स्ट्रीक्स और ड्राई पैचेस दे रहे थे, इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा था कि मैं आपको वीडियो में शायद उतने अच्छे से नहीं आया है, बट रियल में बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा था। मुझे जो समझ आया मैंने वो चीज़ आपको बताई है कि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। रिव्यू था जो सजेशन जो मुझे समझ में आया है, मैंने वही आपके साथ शेयर किया है। आपको अगर अपने, वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 165 है, बट स्टिल हम लोग मेहनत से इतनी कमाते हैं अपने रुपए, एंड ऐसे किसी भी चीज़ पे ऐसे ज़ाया ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इससे अच्छा आप कोई और अच्छे फाउंडेशन में इन्वेस्ट करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। बट ये प्रोडक्ट तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, इनफेक्ट ये ब्लेंड ही नहीं हुआ अच्छे से, तो आगे तो मतलब कोई चीज़ समझ ही नहीं आती ना। और इसमें बोला गया है, इन लोगों ने क्लेम किया है कि ये 8 घंटे तक करीब ये आपकी स्किन पे इंटैक्ट रहता है। 8 घंटे तो क्या ये अभी नहीं रह पा रहा है, 2-3 घंटे में ये निकल जाएगा बिल्कुल ही। और ये तो बिल्कुल ना सेट हो रहा है, ना ब्लेंड हो रहा है अच्छे से, इनफैक्ट ये ऐसे लाइंस दे रहा है एंड ऐसे पैचेस जैसे दे रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आपके लिए अच्छा है, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप इसे परचेज। और मैंने यहाँ पे कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया, प्राइमर मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ये फाउंडेशन को एक आसान बना देता है आपको स्किन पे अच्छे से स्प्रेड होने के लिए, अच्छे से लगने के लिए। मैंने इसीलिए यूज़ नहीं किया ताकि इसके जो रिव्यू है, जिसका जो 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 भी परफॉर्मेंस है, मैं आपको पूरा सच्चा परफॉर्मेंस इसका दिखा सकूँ कि ये क्या है। बट अगर आपको समझ आए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।